अपनी सोच है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, पाँच नुंगे बराबर नहीं होती हैं, सबकी भावना है, हमारी जनता बहुत अच्छी है और हमारे लिए बहुत भावना रखती है। अयोध्या में अभी जिस प्रकार से देख सकते हैं राम लल्ला का किस प्रकार से भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है और पूरे देश भर ने खुशियां मनाई है, आप लोग भी हर समुदाय के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे सब मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे अगर प्रधानमंत्री सुन रहे होंगे नरेंद्र मोदी सीधा क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे सीधा? नरेंद्र मोदी को तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे 500 वर्ष का, जैसे हमने ये सुना था कि राम जी तो सिर्फ 14 साल के वनवास के लिए गए थे, जो 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद उनने हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन आज 500 साल का वनवास पूरा करके हमारे रामलला वापस आए जो पूरे जग को आशीर्वाद देने के लिए आए, तो उसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो कहूँ मेरे रामलला की कृपा हमेशा नरेंद्र मोदी जी पे बनी रहे। और रही बात उत्सव की, तो ये दिन भी हमने उत्सव की तरह ही रखा है और हमने भी दिवाली मनाई है सारों ने मिल के, और हमने उनके लिए एक जागरण भी कर रखा। हाँ, पूरे देश के साथ हम भी है, हम देश से अलग तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, हमने भी उस उत्सव, और ये उत्सव खास करके दुनिया तो सारी मनाई, फटाके लाला के दिए हमने, खूब फटाके फोड़े, खूब दिवाली मनाई है। आपने ओम बिरला जी को नहीं बुलाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी? ओम बिरला नहीं, ओम बिरला जी को निमंत्रण दिया जी, हमने भी आने, हमने एक मैं बता दूं उनको थोड़ा सा हो जाते, हमने लाइव सभी को आमंत्रित किया है, जो हमारे एसपी ऑफिस में से लाइव हुई थी, हमने एसपी ऑफिस में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग हैं, देखो हम लोगों को वहाँ जल्दी पहुँचने का मौका नहीं मिलता है। और बस ये एक अपील है सरकार से कि अगर जैसे बड़े बड़े लोगों के पास आम जनता पहुँच जाती है किसी विषय के लिए, तो हमारे लिए भी ऐसे हो कि हम भी कोई तकलीफ हो तो उनके पास राजी खुशी पहुँच सके। बिल्कुल, ये जो बच्चियाँ हैं पीछे ये भी किन्नर समाज से ही हैं? नहीं नहीं, ये बेटियाँ हैं हमारी, बेटियाँ हैं, गोद ली है आपने? हाँ जी, ये गोद ली, ये हमारी इनकी बेटियाँ हैं, बेटियाँ हैं। बिल्कुल, बेटियों से भी जानना चाहेंगे दोस्तों कि आखिरकार किस प्रकार से वो खुशी महसूस कर रही है सम्मेलन में नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम भारती कश्यप है। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगी मम्मा को, क्या कहना चाहोगे, कैसी देखभाल लगती है, कैसे प्यार करती है? वो मेरे को बहुत अच्छे से रखती है, मेरी हर विश पूरी करती है और पढ़ाई लिखाई करवाती है। क्या बनना चाहोगी पढ़ाई लिखाई करके? उनका सपना है कि मैं कलेक्टर बनूं। कलेक्टर बनूं? हाँ। अच्छा, क्या तो बस मुझे उनका सपना पूरा करना है। बिल्कुल, आप भी बेटी हो इनकी, फ्रेंड है। अच्छा, बिल्कुल दोस्तों, और कुछ ऐसी जानकारी जो चूक गई हो आप बताने में जनता को बताना चाहें? जानकारी तो ये है कि 27 तारीख को हमारे रामधाम मंदिर से बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी जो नगर भ्रमण होगा, उसमें हमारे कलश पूजे जाएंगे और वो कलश नगर भ्रमण में करे जाएंगे, जो रामधाम से शुरू होगी और दादाबाड़ी होते हुए सीआईडी चौराहा होते हुए गुमानपुरा होते हुए सिंधी कॉलोनी होते हुए यहाँ धर्मशाला में आएगी। उस कलश यात्रा का ये वो है, ये कलश यात्रा इसलिए करी जाती है कि जहाँ जहाँ से ये कलश निकलते हैं, जो इसका भ्रमण होता है, जो इस कलश के दर्शन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होती है। और इस कलश जो ब्राह्मण होगा, नगर ब्राह्मण होगा, बिल्कुल बताया जाता है कि अंतिम जिस दिन पूजा होती है वो किसी के सामने नहीं की जाती है, आखिरकार क्या थोड़ा उसका विस्तार में बताइए? अंतिम जो हमारी आखिरी पूजा होगी वो हम किसी के सामने नहीं करते हैं, वो हमारे आपस में होती है, फिर उसके बाद हम जो जितने मेहमान यहाँ आए हैं कोटा में उनको हम विदाई करेंगे, उनको मीठा देके और उनको कोई पुरस्कार गिफ्ट देके उनकी विदाई की रस्म होगी हमारी। क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, आपने जिस प्रकार से देखा सुना कि अपनी खुशियों को कत्ल करके दूसरों को दुआएं देने निकलते हैं, ये वो समुदाय है किन्नर समुदाय, आप लोगों ने ट्रेन में रास्ते में बहुत सी जगह देखे होंगे, ये लोग भी इनके पे दिल होता है, इनकी भी खुशियां होती हैं, किस प्रकार से आप देख सकते हैं एक सम्मेलन के रूप के अंदर ये खुशियाँ यहाँ पे कोटा शहर में मनाते हुए बताना चाहेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन है, यहाँ से प्रांत प्रांत से यहाँ पे लोग मौजूद हैं किन्नर समुदाय के, और ये किस प्रकार से खुशियाँ मनाते हुए और भी लोगों से जुड़ेंगे और भी जानकारी बताएंगे आप हम। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं मेरे जितने कोटा के मेरे जिन जिन लोगों ने हमें सहयोग करा है, हमारे कलेक्टर साहब हो गए, हमारे सीआई साहब हो गए, हमारे इस थाने के सीआई साहब हो गए, हमारे एसपी साहब हो गए, इन लोगों ने जितने मेरे राजस्थान की अपने कोटा की पुलिस हो गई और मेरे राजस्थान के जो मेरे नगर के लोग हैं, जो मेरे जजमान, हमारे जो जजमान हैं जो हमें पेट को रोटी देने वाले हैं, और जितनी भी मेरी कोटा की जनता है, सभी को बहुत बहुत हमारा धन्यवाद है और बहुत बहुत आभार है जो आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट करा है। बिल्कुल दोस्तों,
ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ, धन्यवाद।